अजीना वॉइस के नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम। मौजूदा नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शैतान के कितने बच्चे हैं, शैतान का नेटवर्क किस तरह काम करता है, शैतान ने अपने बच्चों की ड्यूटियां कहां कहां लगाई हैं, शैतान की बीवी कौन है और शैतान कहां रहता है। इन तमाम सवालात के जवाब हम आपको आज के वीडियो में देंगे, इसीलिए ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। नाज़रीन, अल्लाह ताला सूरत कहफ में फरमाता है कि मैंने हुक्म दिया कि हजरत आदम ने इस्लाम को सजदा करो तो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सवाए शैतान के, उसने गुरूर में आकर हजरत आदम ने इस्लाम को सजदा नहीं किया, तो इस तरह वो अल्लाह ताला के दरबार से निकाला गया। दूसरे मकामात पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। नाज़रीन, जैसे जैसे क़यामत करीब आ रही है, शैतान के लिए खतरे की घंटी बजती जा रही है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी मौत का वक्त करीब आ रहा है, लेकिन वो अपना काम भी तेज करता जा रहा है। वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा गुमराह करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो बहुत ज्यादा लोगों को अपने साथ जहन्नम में ले जाए। नाज़रीन, शैतान को अल्लाह ताला ने आग से पैदा किया है और इसकी नस्ल भी इसी तरह बढ़ती है जिस तरह इंसानों की बढ़ती है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि क्या तुम मुझे छोड़कर शैतान और इसकी औलाद की पैरवी करते हो, हालांकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। इससे पता चलता है कि शैतान की बीवी भी है और उसके बच्चे भी हैं। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को हुक्म दिया कि वो हजरत आदम ने इस्लाम को सजदा करे, लेकिन उसने इनकार कर दिया, तो अल्लाह ताला ने उसे मर्दूद कहकर जन्नत से निकाल दिया। अल्लाह ताला ने शैतान को आग के शोलों से पैदा किया और उसकी बीवी को भी पैदा किया और जिन्नात की नस्ल उनसे ही चली। नाज़रीन, हदीस शरीफ में आया है कि शैतान की बीवी को इस तरह पैदा किया गया है कि जब अल्लाह ताला ने शैतान की बीवी को पैदा करना चाहा तो शैतान पर गुस्सा तारी किया, तो उस गुस्से की वजह से ही उसके अंदर से एक चंगारी निकली, उससे उसकी बीवी पैदा हुई और इबलीस की बीवी का नाम तरतबा बताया जाता है। नाज़रीन, रवायत में आता है कि जिन्नात के बच्चों की तादाद इंसानों की निस्बत 9 गुना ज्यादा है, यानी कि अगर इंसान का एक बच्चा पैदा होता है तो शैतानों के 9 बच्चे पैदा होते हैं। जिस तरह तमाम इंसानों का बाप हजरत आदम ने इस्लाम है, इसी तरह तमाम जिन्नात का बाप अल अजान जिन है और तमाम शैतान का बाप इबलीस है। नाज़रीन, शैतीन और जिन्नात में भी फर्क होता है। जिन्नात का कुछ ग्रोह मुसलमान होता है लेकिन शैतान काफर होते हैं, उनमें से कोई भी शैतान मुसलमान नहीं होता। जिन्नात को मौत भी आती है लेकिन शैतीन को मौत नहीं आती। तमाम शैतीन एक साथ ही मरेंगे। जब अल्लाह ताला क़यामत से 40 साल पहले शैतीन को दर्दनाक मौत देगा तो तब भी तमाम शैतीन मर जाएंगे। नाज़रीन, अब हम आपको बताते हैं कि शैतान का नेटवर्क किस तरह काम करता है, यानी कि शैतान का जाला किस तरह फैला हुआ है, उसकी कितनी औलाद है और वो कौन कौन से काम करते हैं और किस तरह इंसानों को गुमराह करते हैं। नाज़रीन, रवायत में शैतान के 5 मशहूर बेटों का जिक्र आया है, जैसा कि हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह शैतान के 5 बेटों और उनके कामों के बारे में बयान करते हैं। शैतान के पहले मशहूर बेटे का नाम दंबूर है, जिसकी शैतान ने ये ड्यूटी लगाई हुई है कि वो हर बाजार में शैतान का झंडा लिए फिरता है और औरतों को मर्दों की तरफ और मर्दों को औरतों की तरफ मायल करता है और गुमराही फैलाता है। और नाज़रीन, शैतान के दूसरे बड़े बेटे का नाम सबर है, जो कि लोगों में फितना फसाद फैलाता है और उन्हें मसाइब का शिकार करता है। शैतान के तीसरे बड़े बेटे का नाम औल है, जिसका ये काम है कि जब भी कोई शख्स अल्लाह ताला की इबादत करता है तो वो उसके अंदर रियाकारी पैदा कर देता है, उस रियाकारी की वजह से उस शख्स का वो अमल जाया हो जाता है। शैतान के चौथे बेटे का नाम मसूद है, उसका काम लोगों के दरमियान झूठी बातें फैलाना है और उनके दरमियान लड़ाई झगड़ा बर्पा करना है। शैतान के 5वें बेटे का नाम दामिस है, वो हर उस शख्स के साथ होता है जो घर में सलाम के बगैर दाखिल होता है और बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना खाता है। इसके अलावा शैतान के चेले बे इंतहा है और उसकी औलाद भी बहुत ज्यादा है। ये शैतान इंसानों के दरमियान
लड़ाई झगड़ा फितना फसाद बर्पा करते हैं। हमारी रोजमर्रा जिंदगी में जितने भी गलत काम होते हैं वो शैतान के उकसाने से ही होते हैं। नाज़रीन, इन जिन्नात में से एक जिन ऐसा भी है जो कि इंसान के साथ ही रहता है, इंसान की पैदाइश से लेकर उसके मरने तक उसके साथ ही रहता है, वो इंसान का हमजाद जिन होता है। नाज़रीन, अब हम आपको बताते हैं कि शैतान का घर कहाँ है, वो कहाँ रहते हैं और वो क्या खाते पीते हैं। नाज़रीन, शैतान इबलीस के बारे में हदीस में आता है कि शैतान का अर्श समंदर पर है, वो अपना तख्त समंदर पर बिछाए हुए है और तमाम शैतान और उसके चेले शैतान इबलीस के पास आते हैं और उनको अपनी दिन भर की कारकर्दगी के बारे में बताते हैं कि आज हमने ये गुनाह किया। और शैतान के घर के बारे में एक और रवायत में आता है कि जब अल्लाह ताला ने शैतान मर्दूद को जन्नत से निकाला तो शैतान ने अल्लाह ताला से अर्ज की कि या अल्लाह, तूने मुझे जन्नत से तो निकाल दिया है, अब मुझे ये भी बता दे कि मेरा घर कौन सा है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तेरा घर हमाम है, यानी बैतुल खुला है। फिर शैतान ने कहा कि या अल्लाह, मेरी बैठक कौन सी है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तेरी बैठक बाजार है। फिर शैतान ने कहा कि या अल्लाह, मेरे लिए खाने पीने के लिए भी कुछ मुकर्रर फरमा दे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि हर वो चीज तुम्हारा खाना है जिस पर अल्लाह ताला का नाम ना लिया जाए। फिर शैतान ने कहा कि या अल्लाह, मेरे पीने के लिए भी कुछ मुकर्रर फरमाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हर नशा आवर चीज तेरा मशरूब है। फिर शैतान ने कहा कि या अल्लाह, मुझे कोई कलाम भी अता फरमाए। तो अल्लाह ताला ने कहा कि झूठ तेरा कलाम है। फिर शैतान ने कहा कि या अल्लाह, मुझे बुलाने के लिए भी कोई चीज अता फरमा दे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि गाने बाजे तेरे बुलाने के लिए हैं। जिन इस हदीस से हमें पता चलता है कि शैतान किस किस तरह इंसानों को गुमराह करता है। अल्लाह ताला हम सब को शैतान के शर से महफूज रखे, आमीन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करें और हमारे चैनल अज़ीना वॉइस को सब्सक्राइब करें।